गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओए लेट्स ईट। तो आज हम लोग करने वाले मॉडलिंग चैलेंज का फाइनल राउंड। ये राउंड फाइनल होने वाला है और जो जीतेगा उसको मिलेगा ये प्यारा सा गिफ्ट। अभी अनबॉक्सिंग भी दिखा देंगे इसके अंदर क्या है। तो सब रेडी हो? ठीक है। तो गाइज हमने दो राउंड ऑलरेडी कर लिए हैं। पहला राउंड था वो था ट्रेडिशनल राउंड, उसके बाद हमने किया वेस्टर्न राउंड। आज होने वाला है सबने कौन सा लुक लिया है? हिप हॉप लुक लिया है सबने। नॉर्मली जो जैसे कपड़े पहनते हैं डांस में तो सबने वैसे लुक लिया है। अब इसमें बता देता हूं थोड़ा सा चेंज है। चेंज गाइज ये है, आज होने वाले तीन राउंड। ठीक है, तीन राउंड होने वाले। जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें सोलो सोलो वॉक करोगे और जो सेकंड राउंड होगा उसमें दो जने एक साथ वॉक करेंगे और थर्ड राउंड में इनको मैं पोजीशन बताऊंगा कि इस पोजीशन में दो को जाना है और उनको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, चलो गाइस। और टीम मैं बनाऊंगा, टीम मैं बनाऊंगा, ये भी याद रखना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे जज साहब आना नहीं चाहेंगे, एक बार दिखा देते आपको इधर से ही। तो आज हमारे गाइस रोहन को बुलाया है बहुत दूर से। तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैलेंज। फर्स्ट नंबर पे आ रही खुशी, थ्री। चल तो खुशी अंदर से आ सकती है। ओके, थ्री टू वन म्यूजिक। ठीक है, थोड़ा साइड तो हो, साइड हो ना। तो गाइज भाई साहब मेरे को तो बहुत खतरनाक स्टाइलिश वॉक लगी ये वाली। लो ये हो गई गाइस खुशी की टर्न। ठीक है, अब जो नंबर टू पे आ रही है वो है, नंबर टू पे ले रहे गाइस हम लोग सोनल। आजा सोनल, आजा। आजा आजा आजा, मेरे को दिखाई नहीं। ओके गाइस मार्क्स बताना आप भी। ठीक है, खुशी की वॉक हो गई है, अब बारी है सोनल की। आना अंदर से ही है, हाँ जैसे भी आना है। थ्री सोनल रेडी, थ्री टू वन म्यूजिक। खतरनाक भाई साहब, तालियां बजाते रहो भाई, तालियां बजाते रहो। ठीक है, ये हो गई गाइस सोनल की टर्न। ठीक है, जज साहब देख लिया ना, जस्ट हंसेगा। ओके ठीक है सोनल बैठ जा। अब रुक जा, थर्ड नंबर पे जिसको मैं बुला रहा हूँ वो है, थर्ड नंबर पे बुलाते हैं हर्षिता को। ठीक है, थर्ड नंबर पे गाइस हर्षिता, अंदर बंद कर ले। ओके, दो जने हुए गाइस खुशी और सोनल, अब आ रही हर्षिता। हर्षिता की, अब देखो तीन जने हो गए खुशी हर्षिता और सोनल। अब फोर्थ नंबर पे जो आ रही है, मैं थोड़ा इधर होती हूं। तो गाइस फोर्थ नंबर पे जो आ रही है वो है किलर और निकिता में से बुलाते हैं निकिता को, बुलाते हैं निकिता को। तो गाइस फोर्थ नंबर पे आ गई निकिता। ओके बैठ जा, थ्री टू वन म्यूजिक। ओके 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 ओके, ठीक है गाइज ये टर्न हो गई निकिता की। कहाँ बैठेगी, कहाँ पे, जब तक पांचों नहीं बुलाऊंगा मैं। तो अब जो गाइज चार जने हो गए, निकिता सोनल खुशी और हर्षिता, लास्ट और फाइनल बची है किलर, राजा किलर। अब किलर की बारी है, चलो थ्री टू, हाँ रेडी हो जाए आराम से, मैं जा रहा हूं, जब आना हो जब आ जाना। ओके ठीक है भाई, खतरनाक भाई साहब, आज पहली वाली से आज इसकी वॉक मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो गाइस पांचों की वॉक हो गई है, अब फर्स्ट राउंड की फाइनल वॉक है जो सब साथ में करने वाले हो। ठीक है, आ जाओ जल्दी से सब साथ में, हाँ ये सारा हटा दो। ओके गाइस, तो अब सब साथ में करने वाले वॉक,
देख लेना रोहन, 3, 2, 1, हाँ ये म्यूजिक सही है। ओके तो गाइज ये हो गया राउंड वन, ठीक है राउंड वन हो गया। अब पूछते हैं जो हमने पिछला वाला चैलेंज किया था जिसमें था वेस्टर्न, उस वाले में पॉइंट्स एक बार मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिए थे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं जो हमने आप मैंने आपको बोला था कि 5 पॉइंट आपको देने, तो आपने किसको दिए 5 पॉइंट? तो आपने जिसको उस 5th पोजिशन पर रखा था वो थी हर्षिता, ठीक है। 4th पोजिशन में जिसको रखा था वो थी किलर। 3rd पोजिशन में जिसको रखा था वो थी निकिता। और गाइस जिसको आपने 5 पॉइंट दिए थे, मैंने सारे कमेंट देखे सारे, तो जिसको 5 पॉइंट मिलते हैं दोनों में से वो है सोनल। तो सोनल को मिले थे गाइस 5 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन खुशी और सोनल में टक्कर हो गई थी, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे को लग रहा था खुशी और सोनल में टक्कर हुई थी, तो 5 पॉइंट सोनल को मिल गया। आपके पास कितने पॉइंट हो गए टोटल? 5 + 2 + 2.5 = 7.5। खुशी तेरे पास 6, तेरे पास किलर 0, तेरे पास 4.5, तेरे पास 1, ठीक है गाइज। अब ये राउंड वन हो गया। अब हम मैं बुलाने वाला हूँ जज को और पूछने वाला हूँ कि 5 पॉइंट किसको मिलेंगे, ठीक है। अर्षिता, खुशी, सोनल, किलर या निकिता? निकिता को 5 पॉइंट। ओके ठीक है गाइज, रोहन ने क्लियरली दे दिया निकिता को 5 पॉइंट। अब निकिता के पास कितने पॉइंट हो गए? 7.5, 5.5, 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 5.5
साढ़े सात छः एक और किलर जीरो जीरो अरे अरे गाइस अब राउंड टू स्टार्ट करते हैं। अब सुन लो पूरा ट्विस्ट है, राउंड टू होने वाला है 10 नंबर के लिए, तो जिसको मिल गए पूरी लीड बन जाएगी। तो राउंड टू स्टार्ट करें। अब राउंड टू में बताते हैं तो क्या होता है, अपने अपने पार्टनर चुन लो, अपना अपना पार्टनर। मैं बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं, एक सेकेंड गाइज, मैं पार्टनर बता रहा हूं। पार्टनर है सोनल और किलर, निकिता और हर्षिता, और खुशी रहेगी सोलो। ठीक है, तो अपने गाइज अब राउंड टू स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्विच हो जाओ, स्विच हो जाओ। ठीक है, खुशी बीच में आ जा, उधर चलो तुम दोनों, तुम इधर चलो। ठीक है गाइज, अब पहले खुशी की वॉक है, रोहन देख लेना, पहले खुशी की वॉक, फिर आप दो की वॉक, और फिर आप दो की वॉक। अब इन दो में जो अच्छा करेगा उनको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए, जो अच्छा करेगा उसको 10 पॉइंट नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं गाइस, 1 2 3 याद रखना, 3 2 1 म्यूजिक। 1 2 3 पहले आ रही है खुशी, 3 2 1 म्यूजिक। ओके ठीक है, तीनों ने वॉक कर ली है। अब हाँ क्या हुआ खुशी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, चलने दे, क्या हुआ, अरे अभी आउट नहीं हुई है, अभी कहाँ आउट हुई है वो। तो गाइस ये वॉक हो गई। अब इसी राउंड का पार्ट टू है जिसमें सबको एक साथ आना है, फिर से समझ गए, सबको एक साथ आना है।
सबको एक साथ आना है, ठीक है? सब में सब आ गए, स्टार्ट कर। तो गाइज राउंड टू भी खत्म हो गया है। राउंड टू था कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए, ठीक है? ना मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो उसने बोला मैं उसको मार्क्स दे रहा हूँ। तो गाइज राउंड टू में जिसको 10 मार्क्स मिलते हैं, वापस एक बार मार्क्स पूछ लेता हूँ। कितने मार्क्स? 0, 7.5, 1, 9.5, 6। तो आप जिसको 10 मार्क्स दिए वो मिलते हैं खुशी को। तो 10 मार्क्स दिए गाइज खुशी को, ठीक है? खुशी आजा, आगे आजा। अब देखो खुशी के मार्क्स हो गए कितने? मार्क्स हो गए 16। ते पास? 9.5, 7.5, 0। ठीक है गाइज, अब स्टार्ट करते हैं फाइनल राउंड। अब फाइनल राउंड में क्या होगा पता है? फाइनल राउंड में होने वाला है तो 20 मार्क्स के लिए अब कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सबको आना है पहले यहां से, एक जना जैसे, एक जैसे ये है बीच में, मैं बता देता हूँ गाइस कैसे। ये है बीच में, ये आगे जाएगी, ये यहाँ पे खड़ी हुई, हाँ ये यहाँ पे खड़ी हुई, ठीक है? जब ये बैक आने के लिए आएगी तो चार को आगे जाना है, ठीक है? और जब चार वहां पे खड़े रह गए तो जो सबसे साइड में होगा उसको वहीं पे खड़े रहना है, समझ गए? जो इधर साइड में और जो इधर साइड में, बाकी वालों को वापस जाना है। स्टॉप, नहीं नहीं गलती नहीं करी है, बस तुमने एक गलती कर दी। मैंने कहा था जब वो आ रही होगी उसी टाइम तुमको जाना है, उस टाइम तो तुम गई नहीं, जाने के लिए थी बड़ी, कोई आई नहीं। यही तो नहीं देखना था, यही तो फिर चैलेंज था गाइस। इन्होंने गलती कर दी, मैंने इनको कहा था जब फर्स्ट वाला जाके वहां पे खड़ा हो जाएगा और जैसे ही वापस आएगी आने के लिए जो उसने पहला कदम बढ़ाया उसी टाइम तुमको निकल जाना था, तो यहाँ पे गलती कर दी। हाँ यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है? ओके नेक्स्ट, ये हो गई। नेक्स्ट बुलाते हैं किलर को। किलर आ जाओ वापस सेंटर में, बाकी सब ऐसे कैसे खड़े हो जाओ जैसे खड़े थे। ठीक है तो गाइज चलो, ये तुमने गलती कर दी थी तो इसको डीपॉलिश करते हैं इस राउंड को। अब फाइनल राउंड जो होने वाला है ना वो थोड़ा अलग होने वाला है। अब सबको क्या करना है, एक जने को हर को अपनी अपनी वॉक डिजाइन करनी है, किसको कैसे चाहिए वॉक, मैं ऐसे आऊंगी तुम लोग ऐसे जाना, अपने हिसाब से डिजाइन करनी है, समझ गए? हाँ खुद जैसे तेरी वॉक है तो वो भी आने चाहिए। अब कैसे डिजाइन करनी है वो तेरे को अच्छी लगनी चाहिए, समझ गए? नहीं समझे? जैसे मैंने अभी तुमको कैसे बताया कि एक जना जाएगा, हाँ मैंने जैसे अभी बताया एक जना जाएगा चार आएगा, वैसे तुमको अपनी अपनी वॉक डिजाइन करनी है, ठीक है गाइस? ये राउंड टू हो गया, ये राउंड टू हो गया था। अभी था नंबर एक, और वापस बता देता हूँ मैं, अपने अपने नंबर बोल दो जल्दी से। 9.5, 16, 0, 7.5, 1, 1, ठीक है? ये राउंड टू हो गया, राउंड टू को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे राउंड 3 में।